साथियों जय हिंद वंदे मातरम। आप देख रहे हो मारवाड़ी न्यूज। आज रविवार है, पर रविवार ने आज आपने यारी दुखद खबर बताऊं कि जालोर नगर परिषद की लापरवाही रे वजह थी जालोर रमाए सौंदर्यकरण और वृक्षारोपण की दो तो मैंने मैं झारका वाई थे झारका नष्ट हो गया पाए। बिल्कुल एकदम सही बात है। सरकार कह के हरियालो राजस्थान है, हरो भरो करना बहुत जरूरी है कि अपने जालोर है और जन जालोर माए हरो भरो करवा बड़ा कार्यक्रम किया, लाखों रुपया खर्च किया भी वन हारू। आप जो आ तस्वीर देख रहे हो आज जालोर रही है, आज जालोर दी गीटको होटल थी ले ने गोड़ी जी टकरी है अटे डिवाइडर बनी है। वन डिवाइडर माते जो झारका भाई था सरकार क्यों कि आप बड़ी अच्छी कंडीशन हो जाए अपने बहुत जरूरी है। अने बाद में दूसरी ट्रिप आज चीज़ देख रही है तो अड़े में वो लग रही हो अपने कि टेम से रहना पानी नहीं पावा कारण थी ये अटे नष्ट हो रही है। आज तस्वीर आप तक अना पहुँचा रही कि जो जालोर रमाए या गोमर माए जो योजना आए रोजगार गारंटी यानी कि फैमिली के को नरेगा के को वन नरेगा ने अगर अन माते लगाई हुए तो आवा वाली टेम रमाए ये भी पौधारोपण बढ़ावे। हमारे नगर में हमारे जिले में या हमारे सिटी में जो भी प्रवेश करे बाहर का प्रवासी गाड़ी से तो ये सौंदर्यकरण देख के वो सोचे कि जालोर में नगर परिषद ने कितनी सुंदरता बना रखी है। जालोर नगर पालिका से नगर परिषद भी बन गई है फिर भी अभी तक अनदेखी हो रही है। बिल्कुल अनदेखा हो रहा है। आप देख सकते हो गलियों में मोहल्लों में नाले है, सुअर है जो नाले वगैरह तोड़ते हैं, गंदगी फैलाते हैं, छोटे बच्चे बीमार पड़ते हैं। तो जागरूकता जरूरी है, उनको ये हमें संदेश देना होगा और हमें देने की जरूरत नहीं, उनका भी ये कर्तव्य बनता है। पावे ये नरेगा वरेगा हलावे रिया है तो अन जगह जो कॉम मा लेता हुए तो ये बड़े तो नहीं झाड़ ठेठ हुई तो सही रेत के हमें वो ये बाड़ा हुआ है सब बढ़िया बाजाड़ का। सरकार भाई ये जनते में भाइया बनने में बड़ो कार्यक्रम की सेल्फी ली अखबार में आई है टीवी में आई है वटी रात गिन बात की बराबर है। पर मैं हमें देख बाल तो कम कम नगर परिषद रे करनी चाहिए। अबर आदिवासी जो अपने देख रहे हो अते गोड़ी जी रमाए भाई साहब ये जो झारका भाई था मोटा मोटा अधिकारी आवे ओपे लोग भी जाओ आज कलेक्टर से आइए फोटो खींचो सेल्फी लियो वटी थे भी लोग अणा नहीं कहता ये झारका बड़े जी है झारखंड से पानी ना पावा तो बड़ी जाना कोई देख भाग तो करता नहीं नहीं रे मतलब पानी पाई आवे तो यार बड़े कांटे हमें तो मोटा हुआ फूल आई आवे अभी तो मैं आना तो तब ही मैं पानी तो नाम था वर्षा पीजू वे जगह पीजू पता तो कोई है नहीं हेटा पानी। नगर परिषद कितनी अर्गी पड़े जो पानी नहीं लावे हटे हटा हमने नगर परिषद है तो लेवा लावे तो यार घने टैंकर आले टैंकर वो पावे। एक चीज मेरा गोमर में जो नरेगा आले धूड़ अंडेली अंडे नोके वा धूड़ हटे अगर सेट कराई हुए तो कितनी अकल आवे मैं तो झाड़ी बड़ा मटी तो अटे लाई हुआ तो यार हमें उतर तो घड़ा मोटा हुआ भी सरकार और केंद्र सरकार उसके हरियालो राजस्थान रंगीलो राजस्थान रंगीलो जालोर बीजू अपने जालोर रे माए जो झारका भाई था एक बार हरित राजस्थान रे थे वे झारका केरा वे दिया। अब उर बहु जन जगह गोड़ी जी है गोड़ी जी थी जालोर थी सीधो बाड़मेर जा रियो बालोतरा जा रियो गढ़ सीवना वालो रोड है अन रोड माटे गिटको होटल थी लेन गोड़ी जी तक एक झारका वाई था वन में हरियाली लावा वास्ते पे चालो ने आरू भरो करना है। बिल्कुल जो तस्वीर आप देख रही हो अन तस्वीर हिसाब से वो लग रही है कि सरकार वन में अनदेखी करवा रहे कारण ये झारका आज नष्ट हुई है। बचाओ बिजली बचाओ पानी सरकार रात बचावा डूकी के झारखंड ने नहीं पायू। बिल्कुल एकदम सही बात है झारखंड ने पानी नहीं पावा रहे कारण ये झारका बढ़ रही है। रेलवे फाटक देखो बस स्टैंड देखो गोड़ी जी देखो या कन भी जगह प्रशासन द्वारा यार कोई मोटो पेड़ पौधा या वृक्षारोपण नहीं की जनती हरियाली देखी जाए। बिल्कुल जालोर में हरियाली गोम जरूर आई हो बीजू हरियाली नहीं देखो नहीं भाई साहब आप होम अमित दुको ने और अटे जो झारका भाई था कई कहीं देख रेख की कांती बढ़िया जरूर बढ़िया है कितनी टाइम थी टाइम का कोई टाइम है कोई मावे पास है कौन आता है ठीक है पावन जाए कोई ध्यान नहीं देता है झाड़ जानवर भोगे करे कोई जाड़ी की व्यवस्था नहीं बीजी नहीं सुबह पहला भाई भाई जी कटा मैंने कटे भेरा भैया मोटा मोटा अधिक सा यू फोटो खींचे सा वो झाड़ को उदू वावन वो हमो वावन माटू खादू भाई ने यार झाड़ को देख रेख कणी कौन कीधी घड़े उदी कीधी कोई हमी कीधी है कड़ी कीधी कोई भावेन गया पास कौन आया हमें सरकार फैमिली चालू कर दी है होबरी हो खबर आई है तो वहाँ फैमिली कन जगह लगावनी एरी जगह लगावनी या बटे पेड़ पौधे रखवाली करे बटे लगावनी बटे बढ़िया रही हाँ बटे बढ़िया रही बटे व्यवस्था करे पानी पावे टेम टेम तो अपन पेड़ पेड़ पौधा की व्यवस्था हुए मारवाड़ी भाषा में कहावत है कि नवी बुआली आवे वा नवदनिश थे अच्छा अत कार्यक्रम बढ़िया की दो नवदन उठी पानी पायो और नोरता नीवरिया वोटी रोमन बारी और रात गई और बात गई पैसा आप युवा लोगों अटे जो वृक्षारोपण बढ़िया की दो अच्छो हाली हो और हमें ये जो झारका कगार माते बैठा है सपा हमें पड़ेगा हमें वो का है एक बार झारका वावेन गया था वन्ना पूरे नहीं तो फासा आइया नहीं अन्य कोई देखभाल की दी वावेन गया था बावड़ा मेरे भरोसे वड़ा पासा बड़े वड़े बड़े पर कोई पानी भाव कोई हजम तो नहीं तो कोई नगर परिषद वाला कोई अंत आवेन कोई ध्यान देता
કે ભાઈ આ ઝાડકા વૈયા તો પાણી પાવો કે સેવા સાકરી કરો કે કોઈ નહીં એ વાવીને ગયા હતા જંદને પૂટી મને લાગે આજની પાછા કોઈ આવીને દેખીએ કોની નગર પરિષદ માય પહેલા 30% હતા અમે ઉયા 40% તો અમે હેંગ ગા કેન્દ્ર એસીમાં બેઠા બેઠા હવા ખાય હે બહાર આવીને કી ભાલે ઝાડકા બોલો ભલી મત બોલો હા ભાવી કોઈ મતલબ નહીં હો એક ચીજ આવે તો કાપી હેઠે ગોમાં માયલા લોક ઉભા હતા મેં એમણે ચર્ચા કીધી વેગે ભાઈ સાહેબ ગોમરે માય તો મોટી વાત સીટી રે માય બી ઝાડકા ની હાવણ કરે હતી અણોને પાણી ની પાવે હતી તો ગોમર માય કરું છોડી ગોમા વાળા રે બાપડા રી હાલત ખરાબ હે કન્ને કે કોઈ જાય તો કોઈ હબલતું કોની જૈન પાછા આવે આટે મારે ઝાડકા પૂરા બળિયા મેં પાણી પાવે પાવે ને કહીએ પણ કોણ વળતે કે કાઢો જાદુ કીધો નો રે જન અટે અગર ની દેખરેખ વેરી જિલ્લા મુખ્યાલય માટે તો ગોમરી હાલત કરવી संभव है। आप आपने सही कदम उठाया। ये अगर मुख्यालय पे ऐसा देखने को मिल रहा है, हम यहाँ के निवासी हैं और हमें ऐसा देखने को मिलता है, तो गांव खेड़ों की बात छोड़ दो आप, वहाँ पे छोटे मोटे तालाब है, छोटे कस्बे हैं, तो वहाँ की तो सुनवाई बड़ी मुश्किल है। अभी वहाँ की सुनवाई हो ही नहीं सकती क्योंकि किन के भरोसे रहते हैं आखिर, ये एक बार तो कार्यक्रम कर दिया, अभी ये किन के भरोसे बैठे कि आप आएंगे या मैं आऊँगा या कलेक्टर वापस आएंगे उसको पौधारोपण नहीं। इनको एक जांच समिति गठित करनी चाहिए इसके लिए, और पर्टिकुलर एक कमेटी बनानी चाहिए जो इन सब का देख रेख कर सके। अब मान लो सभापति महोदय खुद तो आएंगे नहीं, उनके अंडर में बहुत सारी समितियां हैं या फिर जो सफाई कर्मचारी है या उनका जो अलग से एक बनाया हुआ है, जो अलग से प्रभार दे रखा है, जिस प्रभारी को प्रभार दे रखा है, उसका निरीक्षण उनको आकस्मिक रूप से करना चाहिए ताकि उनको वास्तविकता से अवगत हो वो। मतलब एकदम बहुत अच्छी शानदार भाई साहब बात की थी कि हर आदमी कार्यक्रम बड़े शौकी दो बड़ो अच्छो कार्यक्रम लाइयो, पर अन्य बारे में एक कमेटी करनी चाहिए गठित, ताकि वन्य माटे में थू भाई पानी पावे, थू अन्नू ओ काम करे, थू टैंकर लावे।